मित्रों जय माता दी। मित्रों 14 और 15 दिसंबर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह के ये दो दिन कैसा रहने वाला है, आपके जीवन में इन दो दिनों में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं तथा कौन सी खुशियां आपके जीवन में दस्तक दे रही हैं, कौन सी परिस्थितियों का सामना आपको इन दो दिनों में करना पड़ेगा तथा कौन से शुभ कार्य की उपस्थिति, कौन से शुभ कार्य को आप इन दो दिनों में कर सकते हैं, आपको बताएंगे कि आपको कौन से क्षेत्र में व्यापार करने से ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सकती है, आपके जीवन में चल रही समस्याओं से कैसे आप निजात पा सकते हैं। मित्रों सारी जानकारी आपको बताएंगे, इसके साथ साथ आपके व्यापार करियर तथा आपके लव लाइफ के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 14 और 15 दिसंबर व्यावसायिक रूप से एक अच्छा समय रहेगा, आर्थिक लाभ भी शुभ रहेगा, आपके कार्य पूर्ण तो होंगे किंतु 15 दिसंबर को उनमें कुछ देरियां हो सकती हैं। दैनिक क्रियाकलाप में आप अपने परिवार के सदस्यों की भागीदारी और प्रदर्शन से बेहद प्रसन्न रहेंगे। नए नौकरी चाहने वाले विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में अच्छे पद को प्राप्त कर सकेंगे। जो लोग सफलतापूर्वक नौकरी कर रहे हैं उन्हें 14 या 15 दिसंबर इन दो दिनों में आपको पदोन्नति मिलने की पूरी संभावना है। व्यावसायिक रूप से व्यावसायिक संदर्भ में आप अपने आप को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। मित्रों इस समय वरिष्ठों को खुश करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इस अवधि के दौरान आपको कड़ी मेहनत और विनम्र स्वभाव ही सफलता की कुंजी बनेगी। सुनिश्चित करें कि कोई आपका विरोध न कर पाए, अन्यथा कठिन निर्णय आपकी प्रगति को अवरुद्ध कर सकता है। मित्रों जीवन साथी के साथ 15 दिसंबर को गैर जिम्मेदार न व्यवहार के चलते पारिवारिक जीवन अशांतिपूर्ण हो सकता है। भाई बहनों के साथ तर्क आपको काफ़ी उदास कर सकता है और आप असहाय महसूस कर सकते हैं। मित्रों ठंड या कुछ अन्य अवरोधक बीमारियां 14 दिसंबर दोपहर के बाद आपके खिलाफ हो सकती है, आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल अवश्य ही करनी चाहिए। मित्रों परिणाम आपके पक्ष में होंगे, आप भावनात्मक रूप से 14 दिसंबर की शाम को अलग थलग महसूस कर सकते हैं और इस समय आप इस समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको अपने मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से आप सुरक्षित तो रहेंगे लेकिन खर्चों का दबाव अधिक रहेगा, आत्मविश्वास के साथ काम करना आप हमेशा जारी रखें। परिवार में सद्भाव स्थापित होगा तथा बच्चे आप पर गर्व कर सकेंगे। निर्यात और आयात से जुड़े लोगों के लिए यात्राएँ संभव है। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षण से जुड़े जातकों को 15 दिसंबर के दिन अच्छी प्रगति मिल सकती है, रुचि के विषयों में आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप 14 दिसंबर शिक्षा के क्षेत्र में चमक पाएंगे और नए तरीकों से समस्याओं को सुलझाने की अपनी विशेष प्रतिभा के लिए आप पहचान हासिल करेंगे। व्यावसायिक क्षेत्र में आप प्रशंसा के पात्र होंगे और अच्छा उत्थान या पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं, आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी जबकि आपके खर्चों में काफ़ी कटौती देखने को मिल रहा है। मित्रों इस समय आप अपने बचत को लेकर काफ़ी चिंतित रह सकते हैं, बचत आपके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ावा देगी, आपका पारिवारिक जीवन आरामदायक और सुखद रहेगा, आपका जीवन साथी आपसे इस समय काफ़ी स्नेह और प्यार करेगा, आप जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता एवं समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने वरिष्ठ से लाभ प्राप्त करेंगे और व्यावसायिक रूप से आपकी स्थिति और स्थिर हो रही है, आपकी कमाई बढ़ेगी और आपको कई अन्य स्रोतों से लाभ होगा। मित्रों 15 दिसंबर को दूर की यात्रा फलदायी साबित होंगी, पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण और आरामदायक रहेगा। मित्रों सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्वक व्यवहार रखेंगे जिनसे कि आप काफ़ी प्रसन्न भी नजर आएंगे। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि 14 और 15 दिसंबर
आपके पास अनुकूल परिस्थितियों को ला रहा है और आपको सभी तरफ से लाभ प्राप्त होगा। 15 दिसंबर सुबह सुबह मित्रों आपको अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और ये बदलाव आपकी सफलता के लिए होंगे। कार्य क्षेत्र पर वरिष्ठ और सहकर्मी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आपको अपनी प्रतिभा के प्रयासों के लिए उचित मान्यता प्राप्त होगी। आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से उज्जवल रहेगा। आप अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आप मित्रों बताना चाहेंगे कि 14 दिसंबर के बाद अगर आप कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर नए क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं तो मित्रों इस समय शुरू करना आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। विवेकपूर्ण निवेश करने के लिए यह बहुत अच्छी अवधि है। आपका नाम और प्रसिद्ध व्यापक होगा और आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं। मित्रों 14 दिसंबर शाम को आपके लिए कुछ परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय मुश्किल भरा रह सकता है। व्यावसायिक संदर्भ में चीज़ें आपकी जस की तस रहेंगी। आर्थिक पक्ष में थोड़ी सी गिरावट संभव है। आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने गुस्से पर नियंत्रित रखें, कार्यों को विवेकपूर्ण करने का प्रयास करें। यदि आप 14 या 15 दिसंबर को वित्तीय मामलों में कार्य करना चाहते हैं तो वित्तीय मामलों में व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। घर की खरीद करना चाहते हैं या फिर नई नवीकरण के लिए आपका काफ़ी शुभ समय है। उच्च अध्ययन में प्रवेश करने के लिए परीक्षा या प्रतियोगिता के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों को इन दो दिनों में अपने प्रयासों से सफलता मिलेगी। वित्तीय हो, कानून हो या फिर विज्ञान से जुड़े लोग हों, इनको नए रास्ते मिल सकते हैं। निजी यात्रा लाभप्रद रहेगी। पारिवारिक संदर्भ में कुछ सामाजिक समारोह का आयोजन हो सकता है। परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य जो है आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। मित्रों आपको इस समय अपने कार्य पर ध्यान देना है। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपको 14 या 15 दिसंबर का स्वभाव थोड़ा जिद्दी हो सकता है। आप बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। आप भावनात्मक रूप से इन दो दिनों में थोड़े से परेशान रह सकते हैं और तनाव की स्थितियां रह सकती हैं। यदि आपको अपनी आँखों की दृष्टि से कोई असुविधा है तो आपको चिकित्सीय या नेत्र संबंधी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। मित्रों आज आपको बताना चाहेंगे कि 14 और 15 दिसंबर सहकर्मी आपके समूह के मध्य आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। व्यावसायिक रूप से चीज़ें सुचारू रहेंगी और आपको अच्छी प्रगति प्राप्त होगी। आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करने के नए रास्ते मिलेंगे। भाई बहनों और बड़ों के साथ संबंध सौहार्दपूर्वक और प्रेम पूर्वक रहने वाला है। मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपको परिवार के सदस्यों के साथ छोटी यात्राओं का भ्रमण योजना बना सकते हैं। आपका पारिवारिक जीवन आनंदमय और सुखमय रहेगा। आज आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए इन दो दिनों में काफ़ी बड़े बड़े चेंजिंग, आपके व्यापार का विस्तार हो सकता है। आपको नई खुशियां आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। मित्रों इन दो दिनों में आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलानी है, वाणी पर संयम रखना है तथा हर कार्य को कार्यशैली के साथ नियमित रूप से करना है। आपको बताना चाहेंगे कि आपका लकी कलर इन दो दिनों में वाइट रहने वाला है। लकी नंबर आपका 4 रहने वाला है। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय मां विंध्यवासिनी। हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों 14 और 15 दिसंबर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह के ये दो दिन कैसा रहने वाला है? आपके जीवन में इन दो दिनों में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं तथा कौन सी खुशियां आपके जीवन में दस्तक दे रही हैं? कौन सी परिस्थितियों का सामना आपको इन दो दिनों में करना पड़ेगा तथा कौन से शुभ कार्य की उपस्थिति, कौन से शुभ कार्य को आप इन दो दिनों में कर सकते हैं? आपको बताएंगे कि आपको कौन से क्षेत्र में व्यापार करने से ज़्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सकती है।
आपके जीवन में चल रही समस्याओं से कैसे आप निजात पा सकते हैं। मित्रों, सारी जानकारी आपको बताएंगे, इसके साथ साथ आपके व्यापार, करियर तथा आपके लव लाइफ के बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखें।